हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट यस और नो टाइप क्वेश्चन जो आता है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, इंटरगेटिव सेंटेंस का, यस और नो टाइप क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, इंटरगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो WH टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में क्या होता है, वाक्य के बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड लगा होता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे हिंदी में आपका वाक्य के बीच में कब आएगा, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कितने, कौन सा, कौन सी के साथ डियर स्टूडेंट क्रिया के अंत में आपका क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट कि वाक्य के बीच में आपको ये ध्यान देना है कि वाक्य के बीच में डियर स्टूडेंट कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ डियर स्टूडेंट क्रिया के अंत में क्या आएगा आपका, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। डियर स्टूडेंट ये चीज आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, इंटरगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं। आइए हम जानते हैं डियर स्टूडेंट क्या रूल होता है जिसको हम फॉलो करके, जिसको डियर स्टूडेंट हम अनुसरण करके क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि रूल क्या है आपका, रूल फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि WH टाइप लिखते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया कि हिंदी में जो आपका कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये जो शब्द है डियर स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं डियर स्टूडेंट इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड बोलते हैं। WH इसलिए बोलते हैं कि जो मोस्टली जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं डियर स्टूडेंट, मोस्टली जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं आपका WH से बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, WH टाइप वर्ड बोलते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने से डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट अगर आपका आई और वी आता है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी आता है, आई और वी आता है तो हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इंग्लिश में क्या है अगर आपका आई और वी आए, हिंदी में डियर स्टूडेंट अगर आपका मैं या हम आए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी या मैं या हम नहीं आता है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। बस आपको यही जान लेना है, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी आएगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के अलावा अगर अदर सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको सब्जेक्ट ही देखना है, यही डियर स्टूडेंट बताएगा कि हम शैल का प्रयोग करेंगे कब, कि विल का प्रयोग करेंगे। तो आई वी अगर शैल का प्रयोग करोगे, आई वी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो विल का प्रयोग करोगे। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, बी लिखेंगे, बी ई, बी का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी का प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है, अगर आपका पूरक दिया गया होगा तभी डेशन हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर नहीं दिया होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसा कि हम इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो डेशन वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू स्टार्ट वर्ड लिखेंगे, फिर स्टाइल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद स्टैंड, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, और अंत में स्टैंड क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको रूल और जो पहचान है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। आई स्टैंड अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इस रूल को हम इस रूल की सहायता से किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो डेस्टन हमारा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस डेस्टन द्वारा कि मैं अंग्रेजी कब पढ़ा रहा हूंगा, मैं अंग्रेजी कब पढ़ा रहा हूंगा। तो डेस्टन सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई विल सब्जेक्ट मेरा डेस्टन, आई मीन्स क्या होता है आपका मैं होता है, और डेस्टन वाक्य के बीच में क्या आ रहा है आपका कब आ रहा है, आपको यही जानना है वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे कहां कितना कितनी कौन सी के साथ के बाद क्रिया के अंत में रहा हूंगा। देखिए क्या रहा था, रहा हूंगा रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, शब्द एग्रीगेशन क्या कहलाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यू एस टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन कहलाएगा। तो आई जैसे जो ट्रांसलेट करते हैं, जैसा कि उन्होंने हमने बताया कि डब्ल्यू स्टाइल वर्ड लिखेंगे तो क्या होगा, वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स क्या होता है आपका कब होता है। फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका मैं है तो मैं, आई मीन्स क्या होता है आपका मैं है होता है, इसलिए हम क्या करेंगे सेल का प्रयोग करेंगे, स्टेट क्या लिखेंगे सेल, वेन सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं आई। देखिए डब्ल्यू स्टाइल वर्ड लिखेंगे, सेल या विल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद स्टैंड बी का प्रयोग करेंगे, बी उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टीच मींस होता है स्टैंड पढ़ाना, टीच मींस होता है पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, टीचिंग हो जाएगा स्टैंड, व्हेन शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश व्हेन शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, और अंत में क्या करते हैं स्टैंड हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट कि हम अंग्रेजी कहां पर रहे होंगे, देखिए कहां के साथ क्या रहा आपका रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे सब्जेक्ट देखेंगे, डेशन सब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है हम आ रहा है, तो वी मीन्स क्या होता है आपका हम होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि वी के साथ भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डब्ल्यू स्टेटमेंट लिखेंगे, वेयर मीन्स होता है स्टूडेंट कहां, वेयर मीन्स क्या होता है आपका कहां होता है, फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हम है तो क्या लिखेंगे सेल का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, व्हेन वेयर सेल फिर सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट, बी वेयर सेल विल बी, रीड मीन्स होता है स्टूडेंट पढ़ना, रीड मीन्स होता है आपका पढ़ना, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वेयर सेल विल बी रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश Where sir we be reading English? अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, वह क्रिकेट कब खेल रहा है, वह क्रिकेट कब खेल रहा है, देखिए कब लगा है और क्रिया के अंत में आपका रहा हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट आपका क्या है स्टूडेंट वह है, सब्जेक्ट वह है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं डब्ल्यू स्टाइल वर्ड लिखेंगे, तो वेर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट कब, वेर मीन्स क्या होता है आपका कब होता है, आई वी रहेगा तभी हम करते हैं डेशन सेल का प्रयोग करते हैं, आई वी के अलावा अदर सब्जेक्ट रहेगा तो हम विल का प्रयोग करते हैं डेशन, व्हेन विल सब्जेक्ट क्या होगा ही, व्हेन विल ही बी, प्ले मींस होता है डेशन खेलना तो आई एन जी का प्रयोग करेंगे, व्हेन विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, व्हेन विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, और अंत में डेशन क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, राम
और श्याम फुटबॉल कहाँ खेल रहे होंगे? राम और श्याम फुटबॉल कहाँ खेल रहे होंगे? ट्रेडिशनल कहाँ के लिए क्या होता है आपका? वेयर होता है। क्या लिखेंगे? वेयर। और यहाँ दो सब्जेक्ट है राम और श्याम, तो इनके लिए हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर आई भी रहता तभी हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो वेयर विल राम एंड श्याम, वेयर विल राम एंड श्याम बी? बी प्ले मीन्स होता है इसमें खेलना, तो क्या लिखेंगे? प्लेइंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। वेयर विल राम एंड श्याम बी प्लेइंग? क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। रिस्टेट फुट बॉल। वेयर विल राम एंड श्याम बी प्लेइंग फुटबॉल? अगला एग्जाम्पल देखिए रिस्टेट, चपरासी घंटी कैसे बजा रहा होगा? चपरासी घंटी कैसे बजा रहा होगा? क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका? कैसे है, तो कैसे की इंग्लिश क्या होता है आपका? हाउ। अब चपरासी डिस्टेंट तो क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई भी रहेगा तभी हम सेल का प्रयोग करेंगे। अगर आई भी रहेगा, आई भी नहीं रहेगा तो सेल का प्रयोग नहीं करते, विल का प्रयोग करेंगे। तो हाउ विल द प्यून, हाउ विल द प्यून बी बजाना? डिस्टेंट रिंग मीन्स होता है आपका बजाना, तो क्या लगा आपका? रिंगिंग। How will the pune be ringing? क्या बजा रहा होगा स्टूडेंट? The bell। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरू से डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको बस यही ध्यान देना है डबल स्टेप वर्ड सेल एवेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब में आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस इंटरगेटिव मार्क। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, वे विद्यालय क्यों जा रहे होंगे? वे विद्यालय क्यों जा रहे होंगे? तो डियर स्टूडेंट क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है आपका? वाई होता है। और वे आ रहे हैं जिसके लिए हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आई भी रहेगा तभी सेल का प्रयोग होगा, आई भी कलम अगर सब्जेक्ट होगा तो विल का प्रयोग होगा। तो वाई विल दे, फिर डियर स्टूडेंट बी का प्रयोग करेंगे, वाई विल दे बी गो मीन्स होता है जाना, वर्ब का प्रयोग करेंगे गोइंग, गो में आई एन जी का प्रयोग करेंगे गोइंग होगा, कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग होता है गोइंग टू स्कूल, व्हाई विल दे बी गोइंग टू स्कूल। अगला एग्जांपल देखिए, वे सब्जी कब खरीद रहे होंगे? वे सब्जी कब खरीद हो रहे होंगे? जो हमारा इंट्रोगेटिव है वर्ड वो क्या है आपका? कब है। विन मीन्स होता है डिस्टेंट कब, When means क्या होता है आपका? कब होता है स्टूडेंट। When, वे आला डिस्टेंट हम क्या प्रयोग करेंगे? Will का प्रयोग करेंगे। When, will they, when will they, be का प्रयोग करेंगे डिस्टेंट। हम पहले डबल स्टेप वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सेल विल सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, और सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट बी का हम प्रयोग करेंगे। बी विल विल दे बी खरीदना डिस्टेंट, बाई मीन्स होता है आपका खरीदना, बाई मीन्स होता है आपका खरीदना, इसलिए आई एन जी का प्रयोग कर देंगे, बाइंग हो जाएगा डिस्टेंट। वेन विल दे बी बाइंग, क्या खरीद रहे होंगे डिस्टेंट? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स डिस्टेंट, वेजिटेबल नहीं होता है, क्या होता है आपका? वेजिटेबल्स होता है। अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो डिस्टेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इंटरगेटिव सेंटेंस जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप सीख रहे होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट पहचान आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको अच्छे से पहचान बताया कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचानते हैं, इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम क्या रूल होता है, जिस रूल को हम फॉलो करते हैं और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये जो भी टॉपिक है डिस्टेंट फ्यूचर इंडिपेंडेंट का, मैंने पॉजिटिव बताया, इंटरगेटिव बताया, इंटरगेटिव का बताया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरगेटिव का, या सर नो टाइप बताया, डब्ल्यू एस टाइप बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंट सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। डिस्टेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानते हैं, और हिंदी में पहचान के डिस्टेंट किस तरीके से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग सूरज सर। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें डियर स्टूडेंट, तो ये जो आपका चैनल है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।